तो जी हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। और ये है पहला दिन, प्रॉपर प्रॉपर पहला दिन हम हनीमून से वापस आने के बाद। आज पहला दिन है, कल हम वापस आए, बहुत भसड़ हुई है। वो क्या भसड़ थी, मतलब वो मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगी, बट अभी मेरी कॉफ़ी बन रही है। और आज पहला दिन है, आज भी पहला दिन भी बहुत ऐसे अफरा तफरी में जाने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह सागर चला गया अपने ऑफिस की, कुछ विजिट थी उसकी वहाँ पर, और मुझे एक शूट करने के लिए डीकैथलॉन जाना है। तो या मुझे 12 बजे वहाँ पे पहुँचना, अभी 11:30 बज रहे हैं। मैं फटाफट से जो है कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए। किचन का सिचुएशन कुछ खास है नहीं, अभी बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई है, लाइक गैस पहले से था, सागर यूज़ करता था। तो या अभी बहुत ही कम सामान है यहाँ पर, ऐसे ही सब कुछ फैला हुआ है, स्टोर रूम में फ्रिज, और यहाँ पर हमारा सामान सारा का सारा ऐसे फैला हुआ है बैग्स में। वी आर लिविंग आउट ऑफ सूटकेसेस राइट नाउ, बट इसको सब कुछ सॉर्ट करेंगे। एक आध दो दिन का टाइम चाहिए हमको थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए। देर इज अ पैसेज जहाँ पर से हमारी एंट्री होती है, 3 रूम्स की। ये है एक कॉमन वॉशरूम जो कि अभी थोड़ा बहुत क्लीन है, बट इतना क्लीन नहीं है, अभी हम ये यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ दैट। दिस इज़ रूम नंबर 2, जहाँ पे अभी हमने सारे जो भी मेरे सामान आए थे दिल्ली से, वो हमने यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार सब कुछ आया था मूवर्स एंड पैकर्स से, तो बहुत सारी चीज़ें खुल गई है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं खुली है, तो वो यहाँ पर है। एंड देन बाहर यहाँ का मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पर हम प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज आई लव प्लांट्स। एंड देन दिस इज़ रूम नंबर 2। आपको एकदम एम्प्टी घर नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने पर्दे तो लगा दिए, क्योंकि बाहर से यार बहुत सारी ऐसे लोग आते जाते तो अच्छा नहीं लगता है। एंड दिस इज सब पसारा है, ये पहले से वार्डरोब थी सागर की, तो वो यहाँ पर रखी हुई है। एंड देर इज अनदर वॉशरूम, ये मास्टर बेडरूम नहीं है, मास्टर बेडरूम में आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज अ वॉशरूम नंबर 2, प्रीटी नाइस बट गंदा है, इसको क्लीन करवाना है, अभी कोई आ नहीं रहा है तो इसको नहीं कराएंगे। एंड दिस इज आवर मास्टर बेडरूम जो कि मैं अच्छे से पूरा टूर दूंगी। ये अच्छा खासा सेट हो गया है हमारा वार्डरोब के साथ, एंड इसमें भी एक वॉशरूम है। सो या दैट्स दैट। चलो चलते बाहर की तरफ। मुझे ना ये वाला पैसेज काफ़ी पसंद है, तो इस पर मुझे ऐसा मन है कि कुछ कराएं, बट ये रेंट वाला घर है तो ऑब्वियसली यार बहुत सारी चीज़ें, बहुत खर्चे नहीं कराना चाहते हम, बट या दिस पैसेज आई रियली लाइक। मैं इसको ज़रूर कुछ शूट वूट में यूज़ करूँगी। एंड देन वी हैव बाहर बहुत बड़ा एरिया, तो यहाँ पर कपड़े वपड़े सुखा सकते हो। ये पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पर हम प्लांट्स लगवा सकते हैं अच्छे से, और ये यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक, अभी गंदा है तो मैं जाऊँगी नहीं इधर, तो मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, बट यहाँ पर बहुत सारे हम प्लांट्स लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। और आज ही माली भैया से यहाँ पे हमने लेमन ग्रास लगवाया है, ये है अरीका पाम, ये ऑलरेडी लगा हुआ था, ये वाले प्लांट्स, ये फ्लावर वाले जो ऑलरेडी लगे हुए थे, हमने ये एक दूसरा लगवाया है आज, रात रानी लगवाई है, तुलसी तो ऑलरेडी थी यहाँ पे। तो दिस इज़ दिस गाइस, ये स्पेस मुझे काफ़ी पसंद है, इस घर का हाईलाइट है मतलब ये स्पेस पूरा। आपसे रेडी होके बात करूँगी, नहा तो लिया है मैंने, नाश्ता करने का टाइम है नहीं, नाश्ता नहीं हो पाएगा। तो जी हम शूट करके वापस आ गए घर, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना वाना खा के, अभी शाम हुई है, चाय पी है, और ये कुछ माहौल है, थोड़ा बहुत चीज़ें हम सेट कर रहे हैं, और मैं ये चाकू लेके जा रही हूँ, इस आदमी को नहीं मारूंगा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह मुझे ये थोड़ा सा सामान खोलना है, देखना है कुछ कुछ किचन का सामान इस वाले बक्से में। तो किचन की तरफ रुक किया है, अब हम लोग किचन साफ कर रहे हैं, ये जो झाड़ू पति मेरा, अभी हम मैंने यहाँ पे अंदर में इसको साफ किया, इसके अंदर स्पून्स और वो सब रखेंगे, पनी नहीं है मतलब ही है। वाओ क्या मस्त बोला आपने, जो चीज नहीं है वो नहीं है और जो है वो है, वो है ऑलरेडी। म्यूजिक ये प्लेट्स रख दिए,
अभी कुछ सामान जो है मम्मी ने दिया है झाबुआ से, तो वो हम लोग घर वाला सब बर्तन वर्तन ये हम कुछ कुछ बंजारा से लेके आए थे, जैसे कि ये मसाले वाला डब्बा। हमने क्या करने की कोशिश की, लाइक मैं ये दो प्लास्टिक के डब्बे सिर्फ, जो कि सागर बहुत सालों से आई थिंक यूज कर रहा होगा, क्यों चाय पत्ती और शुगर वाला, तो बस इसको हटा दूंगी। इसके अलावा बाकी हमारे पास सब कुछ रहेगा फिर कांच का या फिर स्टील का, जो कि रीयूजेबल है। हम प्लास्टिक कुछ भी नहीं रखेंगे हमारे किचन में। विल ट्राई एंड विल मेक श्योर कि हम प्लास्टिक की चीजें कम से कम इस्तेमाल करें अपने घर में। यू हैव टू ऑल्सो मेक दिस प्रॉमिस। और हमने और एक अच्छी चीज, ये रायपुर से हमारे में क्या शादी में ऐसे ना ऐसे घड़ा जैसा देते हैं, मुझे लगता है सब में देते होंगे लड़की को, इसको इग्नोर करना इस पार्ट को, इसको भी यहाँ पे साफ सफाई कर दी है। बट ये वाला तांबे का है, कॉपर का, इसका पानी पीने के क्या क्या फायदे ना, ये इस पर लिखा हुआ था। मतलब देखो सबसे लास्ट वाला देखो, हमेशा दिखेंगे जवान। मतलब ये मुझे नहीं पता था, मुझे ये जरूर पता था कि कॉपर के बर्तन में पानी रख के पीने से वो जो वो आपका पाचन तंत्र होता है वो अच्छा होता है, सही रहता है, तो दैट इज गुड, तो इसलिए ये लिया था। फटाफट से किचन को भी साफ सफाई कर देते हैं, बाकी हमारी घर जो है वो पूरा साफ हो गया है। ये सो पतिदेव ने बनाई चाय, पतिदेव चीयर्स। घर तो कर दिया है हम लोगों ने थोड़ा साफ सुथरा, थोड़ा नहीं अच्छे से ही कर दिया पूरा सफाई वफाई। अभी सेट करने की बारी है, तो ये सब सेट हम करते रहेंगे धीरे धीरे। चिंता मत कर, मैं तेरे को साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा। आई नो कि तेरी आदत नहीं है, पर कोई बात नहीं यार, यही तो काम होता है। गाइज यू नो दैट कि मेरा दिल्ली वाला घर कितना साफ रहता था, इसका घर मैंने आके देखा गंध मची हुई थी, मतलब इतना गंध कि हमको पूरा आके सबसे पहले सफाई करनी पड़ी। आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो देखो जाओ, आके हमें झाड़ू लगाना पड़ा था। गृह प्रवेश नहीं हुआ था मेरा, मुझे झाड़ू लगाना पड़ा था। गाइस बैकग्राउंड नहीं देंगे आप, ये इसका ऐसा सीन है घर का कि क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी हमारी से, तो मैंने बड़ा घर रेंट पे लिया था और फिर मैं शादी की तैयारियों में घर पे था, तो ऑब्वियसली घर बंद रहेगा तो खराब ही होगा ना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारा घर ये तो पूरा साफ हो गया है, अभी इस रूम को और इस रूम को हमने हाथ नहीं लगाया, एक या दो दिन बाद ओपन करेंगे। हमारा रूम जो है मैंने चकाचक कर दिया है, मतलब रूम बेडशीट वगैरह ये सब लगा के ये मैंने कर दिया है। थोड़ा सागर ने भी हेल्प की, अभी वो वॉशरूम में थोड़ा ये सब क्लीन कर रहा है, सिंक वगैरह इसको बिल्कुल ही नहीं पसंद है। सेम ब्रो, अभी जो है बस अब थक गए हम लोग, ये करने के बाद बस हम पड़े रहेंगे। अब फाइनली हम सोच रहे हैं कि ये करने के बाद चिल करेंगे, ये करने के बाद चिल करेंगे, बट आज संडे है, काम सारा कर लिया है, आने के बाद ऐसे एक रफ्तार में बोलते हैं ना, सारा काम हो जाता है तो हो जाता है, बस वही वाली चीज है। तो अब बस मैंने तो चेंज वेंज कर लिया है, अब मुझे एकदम ऐसा लग रहा है बस मैं पड़ जाऊं बिस्तर में। तो लेट्स सी क्या करते हैं। बाय द वे आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर, और क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कुछ नहीं, हम सो ही जाने वाले हैं, जल्दी सो जाएंगे आज, तो कुछ थोड़ा बहुत खा पी के या नहीं भी खाएंगे तो पता नहीं, सो जाएंगे हम लोग। और या विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल डू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो इफ यू आर लाइकिंग डेली व्लॉग्स बिकॉज आई हैव स्टार्टेड दिस। और या आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, इफ यू डिड देन डू लेट मी नो इफ एनी फीडबैक यू हैव, सो वो भी बताना। विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, नमस्ते।